हेलो दोस्तों, आज आप लोग को सिखाऊंगा कैसे ओइल ब्रिज को करते हैं, वैसे कैसे ओल्डिंग को चेक कर सकते हैं। तो ये होते ओइल ब्रिज गेज है, ये गेज से हम लोग ओल्डिंग को आज चेक करेगा। मेरा पास दो गेज है, से दो गेज दिया है, तो मैं दो गेज से मैं फिलेट चेक करूंगा कितने का फिलेट आ रहा है। ये भी फिलेट चेक करने का गेज है, देखिए ये भी इसको बोलते हैं ब्रिज गेज बोलते हैं। आइए मैं आप लोग को चेक करने वाला हूँ। तो मैं इसमें से तीन चार प्रकार को चेक कर सकता हूँ, जैसे है इसमें हम लोग अंडरकट चेक कर सकते हैं, इसमें हम लोग फिलेट चेक कर सकते हैं, इसमें हम लोग कैसे कितने का छोड़ आ रहा है वो चेक कर सकते हैं, कितने का लेग लेन आ रहा है वो भी चेक कर सकते हैं। तो आप लोग को एक एक करके आप लोग को दिखाऊंगा कैसे है। मैं एक लोग फिलेट से देखूंगा, मैं इसमें 5 mm थीनेस है, तो हमको फिलेट साइज चेक करने के लिए कितना मोटा मोटी 3.5 mm का फिलेट साइज होना चाहिए, 3.5 से 4 mm का फिलेट साइज होना चाहिए। तो फिलेट साइज चेक करूँगा तो उसमें हम लोग का आएगा, मैं इसमें चेक करने वाला हूँ कितने का फिलेट साइज आ रहा है। तो पहले ये ब्रिज को पहले सरफेस में बराबर रखना है, ये देखा इधर बराबर रखना है, बढ़िया से रख के ये जो सरफेस है, ये जो एज है, ये एज को बढ़िया से आपको मैच करना है। करने के बाद ये आपको रखना है, रखने के बाद मैं इसको ये जो आपको दिख रहा है स्लाइडिंग वाला आपको मूव करना है, मूव करके जिधर ओल्डिंग को एज आ रहा है वो एज को मैं मैच करूँ, ठीक है। मैच करने के बाद मैं देख रहा है ये कितने का एक मोटा मोटी आ रहा है, मैं देखूँगा। अभी देख रहा है ये जीरो से पकड़ लीजिए, जीरो से एक एक करके होगा, 1 2 3 5 6 7 मेरे को 7 का फिलेट साइज आ रहा है। मैं ऊपर से भी दिखाऊंगा कितना आ रहा है, ए भी इधर पारपेंडिंग को लगाया, ए भी जो जिसमें वो अंडर का चेक करते हैं वो भी लगाया, लगाने के बाद ए दिखाया, लगाने के बाद मैं चेक करूंगा ये कितने का आ रहा है। ये मोटा मोटी 9 का आ रहा है, बट उसमें होना चाहिए था आपको 6 का होना चाहिए, बट ओल्डर तो हाथ से मैनुअली ओल्डिंग कर रहे हैं, बट इसमें कर पाया नहीं, बट इसमें 6 का मैं ओल्डिंग सही है। मैं इसमें थ्रोट भी चेक कर सकते हैं, कैसे करूंगा मैं वो भी दिखाऊंगा आप लोग को। थ्रोट भी पहले क्या करना है, थ्रोट चेक करने के लिए ए सरफेस एवं ए सरफेस परपेंडिकुलर रहेगा, ये पहले ए अब मेरा राइट एंगल में है, तो मैं इसमें ए थ्रोट चेक करने के लिए मेन तरीका है, ये जो गेज है ये गेज को आपको नीचे नेक में आपको ठकाना है, मिडिल पे ठकाना है, ओल्डिंग का मिडिल पे ठकाना है। लगाया मैं इसको टाइट करने पड़ेगा आपको बढ़िया से टाइट करने पड़ेगा। उसके बाद देखा रहे आपको थ्रोट आ रहा है 5.5, मतलब 5 से थोड़ा आगे है, तो इसको मैं पकड़ ले सकता हूँ, ये थ्रोट आ रहा है 5.5 मेरा ओल्डिंग। ये आपको क्या है, थ्रोट साइज मोटा मोटी 3.5 होना चाहिए था, 3.5 से ऊपर होना चाहिए था, बट एवं फ्लेट साइज 4 mm होना चाहिए था, मेरा ये सबसे सही है। मैं ये भी गेज से फिलेट गेज से भी चेक कर सकता हूँ इसका कितना का होल्डिंग है फिलेट गेज से। फिलेट गेज ये है, इसमें 6 mm फिलेट, 10 mm का 14.16, 4 7.5, 18 18.,12.6, इसमें फिलेट साइज है वो भी चेक कर सकता हूँ। मैं कितने का फिलेट है ये देखूंगा मैं। पहले 12 का दिख रहा हूँ, ये नहीं बैठ रहा है 12 का तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। 10 का दिख रहा हूँ, 10 का भी नीचे में बहुत गया हुआ है, ये 10 का भी नहीं है। मैं 7.5 का दिख रहा हूँ, 7.5 का, ये 7.5 बराबर बैठ रहा है, मतलब क्या है मेरा ये फिलेट साइज मोटा मोटी 8 का फिलेट साइज हो गया। तो ये मेन फंडा ऑफ द फिलेट गेज यही होता है, ठीक है। तो इसमें अंडर कट कैसे चेक करूंगा, मैं अंडर कट नहीं है जॉब में, बट अंडर कट में इसमें क्या होता है, पीरियड मेटल जब गल जाता है तब अंडर कट होता है। तो अंडर कट में क्या होता है, आप लोग जब ए बेस मेटल पार्कुलर में रहेगा, मतलब इसमें फारपेज में बराबर टिक कर रहेगा, उसके बाद आपको ए जो है, ओ भैया ए पेरेन मेटल जो है, ये पेरेन मेटल आपको ये नीचे आना चाहिए, ये अंडर कार्ड आएगा, कार्ड आएगा, कार्ड में पता चलेगा कितने का आपको अंडर कार्ड आ गया। जैसे ए वाला है, ये आपको ए सरफेस में लगाएगा, लगाने के बाद
आपको ये जो सरफेस देख रहा है, सरफेस में तो 0-0 आएगा, इसके सरफेस में, इसका गेज में 0, जैसे ये सरफेस में आपको दिखाएगा तो ये देखिए ये 0-0 आ रहा है, मतलब ये लेवल है। जब ये सरफेस पे पेनर मेटल गल जाएगा तब आपको पता चलेगा इसका अंडरकट क्या है। ये अंडरकट दिख रहा है, देख रहे ये वाला अंडरकट 0-0 है, मतलब अंडरकट नहीं है। ऐसे और भी कोई जॉब में मैं नीचे वाला में देखा, नीचे वाला देखा, ये नीचे में अंडरकट में देखूंगा, ये सरफेस में भी अंडरकट देखूंगा, हल्का से मार्किंग आया है वो भी चेक करूंगा। मैं आपको देख रहा हूँ ये 0 से थोड़ा आगे आ रहा है, मतलब 0.5 से भी कम, तो ये आपको एक्सेप्टेबल है, मतलब 0.5 एक्सेप्टेबल है, 0.5 से ऊपर मैक्सिमम आपको 0.5 होना चाहिए, और 0.5 से ऊपर आएगा तो आपका डिफेड है, ओलिंग डिफेड है, तो वो चलने वाला नहीं है। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, अंडरकट को बढ़िया से ही, अंडरकट क्यों आता है वो भी आपको समझाऊंगा एक बार। ज़्यादा वोल्टेज रखोगे उसे पेड़ में तो बढ़िया से गल जाएगा, तो उसमें अंडरकट बोलेगा आपको, पर अंडरकट ये नहीं, तो बढ़िया से होल्डिंग हुआ है, ये जो बीट बना है मल्टी लेयर में होल्डिंग हुआ है, तो ये कोई अंडरकट नहीं है। यही कहना था दोस्तों, ये मेरा कहना है, और बढ़िया से ये वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, कोई नया बंदा है उसको सब्सक्राइब कीजिए, तो आगे से आप लोग को इंस्पिरेशन से मैं और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाऊंगा फैब्रिकेशन रिलेटेड, तो उसमें क्या होगा आप लोग को सहायता में, आप लोग को इंस्पायर में, मैं भी खुश रहूँगा, आप लोग को खुशी दिलाऊँगा, आप लोग को नॉलेज बढ़ेगा, आप लोग को नॉलेज से मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा, कैसे पढ़ना है, कैसे शेयर करना है नॉलेज मेरा। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे, एंड वी विल कम नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।